हमारी ये खबर आपका दिल दहला देगी। खबर बिहार के समस्तीपुर की है। वहां के निवासी शंकर राय को एक विषैले सांप ने काट लिया। जब उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई और जब वो भी समझ गया कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, तो उसने अपने पत्नी के साथ साथ मरने की इच्छा को पूरी करने के लिए पत्नी की कलाई पर काट लिया। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि बीरसिंहपुर गांव का निवासी शंकर राय अपने घर में सोया था, जब उसे सांप ने काटा था। अगले दिन जब वह उठा तो उसकी हालत खराब होने लगी। उसके बाद जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसे सांप ने काटा है और अब वह नहीं बच पाएगा, तो उसने साथ मरने की इच्छा को पूरा करने के लिए पत्नी की कलाई पर जोर से काट लिया, ताकि उसके अंदर भी विष चला जाए और साथ मरने की इच्छा पूरी हो जाए। फिर क्या था, दोनों के शरीर में जहर असर करने लगा। जब दोनों बेहोश होने लगे तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। पति शंकर राय तो नहीं बच सका, मगर डॉक्टर ने उसकी पत्नी को जरूर बचा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार जब शंकर को इस बात का एहसास हुआ कि वो अब नहीं बचेगा, तो उसने अपनी पत्नी अमीरी देवी को दांत काट लिया, ताकि दोनों साथ मौत को गले लगा सके। हालांकि पत्नी अमीरी देवी ने कहा कि उनके पति ने जबरदस्ती उसे दांत नहीं काटा था, बल्कि उन्होंने खुद अपना हाथ पति को पकड़ाया था। वो खुद चाहती थी कि पति की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए साथ मरना चाहते थे। पुलिस को अमीरी ने बताया कि उनके पति की इच्छा थी कि हम साथ में मरे और मरने के बाद भी साथ रहे, मगर अफसोस उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई।